हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपके एग्जाम 2025 के लिए हिस्ट्री पेपर 2 BA फिफ्थ सेमेस्टर का पूरा मॉडल पेपर देखने वाले हैं। अगर आप लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं फिफ्थ सेमेस्टर में अपने BA के, तो देखिए BA के फिफ्थ सेमेस्टर में आते ही आपका हर एक सब्जेक्ट का 2 पेपर होगा, पूरा 2 सिलेबस होगा। और हिस्ट्री का जो पेपर 1 है, पेपर 2 है, सभी पर मैं क्लासेस करा रही हूँ। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, ऑल यूनिट्स आपको मिलेंगी हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री पेपर 2 का मॉडल पेपर देखने वाले हैं और वही प्रश्नों को देखेंगे जो 2025 की परीक्षा में 100% आने वाला है। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि मैं कई सालों के पेपर देखने के बाद आपका ये मॉडल पेपर तैयार करती हूँ, जहाँ से 100% क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। शॉर्ट, लॉन्ग सब बताने वाली हूँ। बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे कहना चाहूँगी कि आपके हिस्ट्री के पेपर 2 में, यानी जो है आपका ऑप्शनल पेपर है, इसमें 3 पेपर हैं, उनमें से कोई एक आपको चूज़ करना है। देखिए, जो हिस्ट्री पेपर 1 है वो तो कंपलसरी है सभी के लिए, नेशनलिज्म इन इंडिया आपके पेपर का नाम है, वो आपको पढ़ना है। वो मैं पूरी क्लासेस करा चुकी हूँ, उसका मॉडल पेपर भी आपको दे दिया है एग्ज़ाम 2025 के लिए। उसके बाद जो आपका सेकेंड पेपर है हिस्ट्री का, उसमें 3 पेपर दिए गए हैं, आप उसमें से कोई एक चूज़ करके पढ़ेंगे। तो जिन बच्चों ने अगर चूज़ किया है पेपर 2 में हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, जिसमें 1453 AD से 1815 AD तक पढ़ना है, तो उसको हम आज की वीडियो में पूरा मॉडल पेपर देखेंगे। उसके अलावा मॉडल पेपर आपका दूसरा होगा ऑप्शनल हिस्ट्री पेपर का, सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया 1200 AD से 1700 AD तक। बहुत सारे बच्चे हिस्ट्री पेपर 2 में ये चूज़ करके पढ़ रहे होंगे। और बहुत सारे बच्चों ने चूज़ किया होगा एथिक्स इन हिस्ट्री। तो इन तीनों में से कोई एक चूज़ करना है। मैं तीनों का मॉडल पेपर अलग अलग वीडियो में प्रोवाइड करूँगी। आज हम हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड का देखने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। आपका एग्ज़ाम का जो पेपर आता है वो 3 सेक्शन में आता है, सेक्शन ए, बी एंड सी, और हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में पेपर आता है। जो बच्चे जिसमें पढ़ते हैं उसी में अपने आंसर को लिखेंगे। तो सबसे पहले हम आपका इम्पॉर्टेंट सेक्शन ए का क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, और वही प्रश्न बताने वाली हूँ जो 100% आने वाले हैं आपकी परीक्षा में। आपका पहला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुनर्जागरण सर्वप्रथम किस देश से प्रारंभ हुआ। तो जब आपको क्लासेस करा रही थी, यूनिट्स करा रही थी, तो सब कुछ पढ़ा चुकी हूँ, तो आपको याद है ना किस देश से शुरू हुआ है पुनर्जागरण। ये शुरू हुआ था इटली से, इटली देश से, और इटली देश के फ्लोरेंस नगर से शुरू हुआ। अगर नगर पूछ दे तो याद रखिएगा फ्लोरेंस, और देश पूछे तो याद रखिएगा इटली। 14वीं शताब्दी में पुनर्जागरण की शुरुआत वहाँ से हुई थी। दूसरा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोटेस्टेंट धर्म के उदय के क्या कारण थे। 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। तो प्रोटेस्टेंट धर्म, ये बताइए पहले कि प्रोटेस्टेंट धर्म चलाने वाला व्यक्ति था कौन। ऑब्वियसली मार्टिन लूथर थे, क्योंकि मार्टिन लूथर ने ही धर्म सुधार आंदोलन चलाया था यूरोप में। जर्मनी से शुरुआत की थी उन्होंने, क्योंकि वो जर्मनी के ही रहने वाले थे, जर्मनी के निवासी थे। तो प्रोटेस्टेंट धर्म का रूप ये बाद में लेता है, पहले ये एक आंदोलन के रूप में था, और इसका मेन उद्देश्य था कैथोलिक चर्च में व्याप्त बुराइयों और भ्रष्टाचार को समाप्त करना, और जो असमानताएं समाज में फैली हुई थी, ये सब कुछ प्रमुख कारण थे प्रोटेस्टेंट धर्म के उदय के। तो जब प्रोटेस्टेंट धर्म का उदय होता है तो जो ईसाई धर्म था दो गुटों में बढ़ गया, एक कैथोलिक और एक प्रोटेस्टेंट। और प्रोटेस्टेंट आंदोलन का मुख्य उद्देश्य यही था कि कैथोलिक चर्च में जो व्याप्त बुराइयां, भ्रष्टाचार हैं, असमानताएं हैं, उनको समाप्त किया जाए। इसी के उद्देश्य से मार्टिन लूथर ने इसकी शुरुआत की थी। आपका तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंग्लैंड में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति क्यों हुई। 2 कारण बताइए। टॉप लेवल का क्वेश्चन है, 100% दिया जाएगा, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन ना कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि इंग्लैंड में ही सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति क्यों हुई। आखिर सबसे पहले ये इंग्लैंड में ही क्यों हुई, फ्रांस में क्यों नहीं हुई, या फिर अलग किसी दूसरे देश में क्यों नहीं हुई यूरोप के, इंग्लैंड में ही क्यों हुई। देखो इंग्लैंड एक ऐसा देश था उस टाइम पर जिसने एशिया के और विभिन्न देशों में भी, एशिया के विभिन्न देशों में अपना उपनिवेश स्थापित किया हुआ था। उपनिवेशों से ये कच्चे माल बहुत सस्ते दर पर लेता था और उनको अपने देश में भेजकर उनको वस्तुएं बना करके अपने उपनिवेशों की बाज़ारों में महंगी दरों पर बेचता था, जिस कारण इनका कच्चा माल सस्ता मिलता था इनको, और बेचकर वस्तुएं ये अधिक से अधिक मुनाफा कमाते थे। इस कारण इंग्लैंड में
पूंजीपति बहुत तेज़ी से उभरे, एक पूंजीपतियों का वर्ग उभरा और उनके पास पूंजी इतनी अधिक मात्रा में थी, इनके पास संसाधनों की कमी न थी, जिस कारण इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति सबसे पहले हुई। और औद्योगिक क्रांति क्या है ये तो आप जानते हैं, ये कि जो चीज़ें अभी तक हाथों की मदद से की जाती थी, कपड़ों की बुनाई करना, सिलाई करना, कढ़ाई करना, पेंटिंग करना, सब कुछ का स्थान मशीनों ने ले लिया। जो व्यक्ति एक दिन में एक कपड़े बना सकता था, सिल सकता था, कढ़ाई कर सकता था, बुनाई कर सकता था, मशीनों की सहायता से एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन किए जाने लगे। तो ये सब थे औद्योगिक क्रांति के कारण और औद्योगिक क्रांति, आई होप आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बढ़िया से तैयार कीजिएगा, सब कुछ हमने डिटेल में करवा दिया है। अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकार घोषणा पत्र कब पारित हुआ, सब पढ़ लीजिएगा। हमने इंग्लैंड की जो क्रांति हुई ग्लोरियस यानी कि गौरवपूर्ण क्रांति, उसमें पूरा पढ़ा दिया है। अगला क्वेश्चन है बोस्टन टी पार्टी, बोस्टन टी पार्टी की घटना किस देश की क्रांति से संबंधित है, ये बात याद रखिएगा, ये अमेरिका की क्रांति से संबंधित है। ब्रिटिश संसद, देखिए जिस तरह अब ब्रिटेन ने हमारे भारत को अपना उपनिवेश बनाया था, वैसे ही अमेरिका भी अंग्रेज़ों का उपनिवेश था और ब्रिटिश संसद के द्वारा वहाँ पर चाय पर कर लगाया गया था। तो अमेरिका की जनता ने नारा दिया कि अगर ब्रिटेन के संसद में हमारा कोई प्रतिनिधि नहीं है तो कर नहीं देंगे, प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं। इसलिए जितनी भी चाय ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अमेरिका भेजी गई थी, तो अमेरिका के जो क्रांतिकारी थे वो जहाज़ में घुस जाते हैं, बेड़े में घुस जाते हैं और वो क्या करते हैं, जहाज़ों पर चढ़ गए और चाय की पेटियाँ उठा करके पूरे पानी में उन्होंने समुद्र में फेंक डाली। यही जो घटना हुई बोस्टन टी पार्टी की घटना के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है। तो तैयार कर लीजिएगा, अमेरिका की क्रांति जब पढ़ा रही थी तो उसमें मैंने पूरा पढ़ा दिया है। अगला आपका क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट कौन था, नेपोलियन कौन था, नेपोलियन का पूरा नाम नेपोलियन बोनापार्ट था। इसका जो जन्म हुआ था वो 1769 में हुआ था और मृत्यु 1821 में हुई थी। नेपोलियन जो थे वो एक फ्रांसीसी सैन्य जनरल थे और राजनेता थे, इन्होंने फ्रांस की क्रांति में अहम भूमिका निभाई थी। ये 1804 ईस्वी में फ्रांस के शासक भी बनते हैं और 1814 ईस्वी तक ये फ्रांस में शासन भी करते हैं। इन्होंने कई सारी लड़ाइयां भी जीती थीं और वाटरलू की लड़ाई को हारने के बाद नेपोलियन को सेंट हेलेना के द्वीप में कैद कर दिया गया था, जहाँ पर 51 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था। तो नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में अति लघु में ऐसा ही आपको लिखना होगा, बाकी क्लासेस जो पूरी कंप्लीट कराएंगे वो आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है जॉर्ज वाशिंगटन कौन थे, तो जॉर्ज वाशिंगटन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही अति लघु में लिखकर छोड़ देगा, फिर आपको लिखना है। जॉर्ज वाशिंगटन जो थे ये संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे, उन्होंने अमेरिकी सेना का नेतृत्व करते हुए ब्रिटेन के ऊपर अमेरिकी क्रांति पर विजय हासिल की और इन्हें अमेरिका का पहला राष्ट्रपति चुना गया था। ये अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे जॉर्ज वाशिंगटन, याद रखिएगा, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। अगला आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इंग्लैंड में रक्तहीन क्रांति का आशय क्या है। इंग्लैंड की क्रांति आपको पढ़ा चुकी हूँ, जो 1688 ईस्वी में सम्पन्न हुई थी। इंग्लैंड की क्रांति जेम्स द्वितीय के शासनकाल में सम्पन्न हुई थी। इंग्लैंड की क्रांति एक ऐसी क्रांति थी जो विश्व के इतिहास में पहली राजनीतिक क्रांति थी और इसे रक्तहीन क्रांति, श्वेत क्रांति, गौरवपूर्ण क्रांति अन्य नामों से भी जाना जाता है। रक्तहीन क्रांति इस क्रांति का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये एक ऐसी क्रांति थी जिसमें न एक बूंद खून का कतरा गिरा, मतलब इसमें खून नहीं बहा किसी का, एक बूंद भी खून नहीं गिरा। बिना खून बहाए ये क्रांति सम्पन्न हो जाती है और इंग्लैंड में जो असमानताएँ थीं, जो भेदभाव था धर्म को लेकर, कैथोलिक प्रोटेस्टेंट को लेकर के, ये सब कुछ जो था वहाँ पर वो सब कुछ समाप्त होता है। संसद का जो अधिकार समाप्त हो गया था वो उसे मिलता है, बिल ऑफ राइट्स पास होता है, तो इसलिए इसको रक्तहीन क्रांति कहा गया क्योंकि बिना खून बहाए ये क्रांति संपन्न हो जाती है, किसी का भी एक बूंद खून नहीं गिरता। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मार्टिन लूथर, अति लघु में देखिए ऐसे ही लिख के छोड़ेगा मार्टिन लूथर, फिर आपको लिखना होगा क्या लिखेंगे मार्टिन लूथर पूछ देगा, तो आप लिखेंगे मार्टिन लूथर जो थे ये धर्म सुधारक नेता थे, इन्होंने धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत की, इन्होंने प्रोटेस्टेंट आंदोलन चलाया जो बाद में जाकर प्रोटेस्टेंट धर्म का रूप ले लेता है। ये जर्मनी के निवासी थे और इन्होंने वहीं से
धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत की थी। इनके धर्म सुधार आंदोलन का उद्देश्य कैथोलिक चर्च में व्याप्त भ्रष्टाचार और बुराइयों को समाप्त करना था। इनके बारे में अति लघु में पूछेगा, ऐसे ही लिख दीजिएगा। बाकी जो आपके यूनिट्स हैं वो मैं पढ़ा चुकी हूँ, डिटेल में कराया है, सब कुछ आप देख लीजिएगा। लिंक दे दूंगी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अच्छा देखिए, मैं पहले भी आपसे कह चुकी हूँ, फोर्थ सेमेस्टर में आप लोग पढ़ चुके हैं हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, वही प्लेलिस्ट आपको इसमें भी पढ़नी है। इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाई थी आपको बताने के लिए, तो आप वही प्लेलिस्ट दूंगी फोर्थ सेमेस्टर की, सब कुछ उसी में आपको पढ़ना है। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, राफेल कौन था व क्यों प्रसिद्ध था। देखिए राफेल जो थे इटली में उच्च पुनर्जागरण काल में ये बहुत ही सफल चित्रकार और वास्तुकार थे। और आप देखेंगे पुनर्जागरण के समय पर लियोनार्डो दा विंची और माइकल एंजिलो जैसे चित्रकार बहुत फेमस थे, उन्हीं में राफेल भी एक प्रमुख चित्रकार थे। और पुनर्जागरण के समय पर ये सब चित्रकार जो थे बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे, क्योंकि ये लोग अच्छी अच्छी चित्रकारी किया करते थे। तो अति लघु के लिए आपके ये सारे 10 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, यहाँ से आपको अपने एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। अब मैं आपको बताने वाली हूँ आपके पेपर के लघु उत्तरीय प्रश्नों को, जो 100% 2025 में आने वाले हैं। सेक्शन बी होता है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न, और इसमें 8 प्रश्न दिए जाते हैं। आपसे कहा जाता है कि नहीं 5 प्रश्नों के उत्तर लिखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर 200 शब्दों में लिखिए। तो यहाँ जितने प्रश्न बताऊँगी बढ़िया से तैयार कर लेना है, क्योंकि इस बार आपका इससे बाहर आने वाला नहीं है। तो चलिए देखते हैं, आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लघु के लिए, यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन के कार्यों का वर्णन कीजिए। यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन के कार्यों का वर्णन कीजिए, जितना भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी सभी का आंसर भी आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिलेगा, और प्लेलिस्ट के लिंक मैं दूंगी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पहले भी कह चुकी हूँ और अब भी कह रही हूँ, फोर्थ सेमेस्टर हिस्ट्री की प्लेलिस्ट होगी, मगर वही सब कुछ आपको पढ़ना है तो आप वही पढ़ेंगे, पूरा लॉन्ग नोट्स आपको मिलेगा जिससे आपका ये सब आंसर तैयार हो जाएगा, जितना भी मैं इस वीडियो में आपको बता रही हूँ। अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, यह नारा अमेरिकी क्रांतिकारियों की किस मांग के समर्थन में था। वो इनका कहना था, जब ब्रिटिश संसद ने इन पर कर लगाया, तो इनका कहना था कि जब ब्रिटेन के संसद में अमेरिका का कोई प्रतिनिधित्व ही नहीं बैठता तो हम कर नहीं देंगे। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, अमेरिका की जनता जो थी, क्रांतिकारी जो थे, वो मांग कर रहे थे आज़ादी की, और कर देने को ये लोग तैयार नहीं थे, इसलिए उन्होंने ये नारा लगाया था। तो आप ये अच्छे से तैयार कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन 100% इम्पॉर्टेंट है। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है जो 100% आएगा, वो है, पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये भी पूरा मैंने कंप्लीट करा दिया है, फुल आंसर आपको मिलेगा, लॉन्ग मिलेगा हमारे प्लेलिस्ट में, तैयार कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला आपका प्रश्न है, देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉप लेवल का क्वेश्चन है, 15वीं शताब्दी के प्रारंभ में यूरोप की राजनीतिक दशा का वर्णन कीजिए। ये आपका यूनिट नंबर 1 से क्वेश्चन उठाया गया है, और यूनिट नंबर 1 से क्वेश्चन ज़रूर आएगा, क्योंकि पहली यूनिट से क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो हमने यूनिट नंबर 1 कम्प्लीट करा दिया है, देख लीजिएगा, यह सब कुछ कम्प्लीट कराया है। अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 30 वर्षीय युद्ध के तात्कालिक कार्यों की विवेचना कीजिए, ये 80% इम्पॉर्टेंट है, आप इसको तैयार कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, यूरोप की औद्योगिक क्रांति के कारणों एवं परिणाम यानी प्रभावों का वर्णन कीजिए। यूरोप में जो औद्योगिक क्रांति हुई उसके कारण, उसके परिणाम, उसका प्रभाव आप पूरा का पूरा पढ़ेंगे, क्योंकि 100% परीक्षा में आने वाला प्रश्न है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, टॉप लेवल का क्वेश्चन है, परीक्षा के दृष्टि से इंग्लैंड की क्रांति कब हुई। तो कब हुई थी आप तैयार कर लीजिएगा, 1688 में जेम्स द्वितीय के शासनकाल में संपन्न हुई थी इंग्लैंड की क्रांति। इसके प्रमुख कारण क्या थे, तो इन कारणों को भी मैंने पढ़ा दिया है, आप तैयार कर लीजिएगा, क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रथम कौंसल के रूप में नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन कीजिए। नेपोलियन बोनापार्ट जब शासक बनता है फ्रांस का, तो इसने बहुत सारे सुधार किए, तो आप तैयार कर लीजिएगा उन सुधारों को, क्योंकि इनके सुधार महत्वपूर्ण हैं, और नेपोलियन बोनापार्ट की वीडियो में मैंने पूरा सुधार पढ़ा दिया है। अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेस्टफेलिया की संधि के महत्व को स्पष्ट कीजिए। वेस्टफेलिया की जो संधि हुई थी इसका महत्व क्या था, ये 9 महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपके लघु के लिए बताए हैं, यहाँ से 5 प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे। अब बताने जा रही हूँ आपको आपके पेपर का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो 100% 2025 में आने वाला है। 4 प्रश्न आपके सेक्शन सी में दिए जाते हैं, ये आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है, और आपसे कहा जाता है कि नहीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 500 शब्दों में लिखिए।
तो चार प्रश्न बताऊंगी, उन चारों प्रश्न को अच्छे से तैयार करना है क्योंकि यहाँ से आपके पेपर में आने वाला ज़रूर है, फंसने वाला ज़रूर है। तो देखिए, पहला है अमेरिकी क्रांति के प्रमुख कारणों और परिणाम की विवेचना कीजिए, 100% इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रांस की क्रांति के कारण, महत्व एवं विश्व पर पड़ने वाले प्रभाव को समझाइए, ये भी वेरी इम्पॉर्टेंट है। देखो, जितनी भी क्रांति आपके सिलेबस में दी गई हैं, हर क्रांति से पेपर में ज़रूर आएगा, अमेरिका की क्रांति से, इंग्लैंड की क्रांति से, औद्योगिक क्रांति से, फ्रांस की क्रांति से, हर जगह से आने वाला है क्वेश्चन, क्योंकि हर यूनिट से क्वेश्चन ज़रूर बनता है आपके एग्ज़ाम में। और सभी को मैंने पढ़ा दिया है, सबका आंसर आपको हमारे चैनल पर मिलेगा। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति ने यूरोप के राजनीतिक तथा सामाजिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित किया, स्पष्ट कीजिए। देखो, औद्योगिक क्रांति ने तो यूरोप की जो राजनीतिक और सामाजिक जीवन था उसको पूरी तरह से बदल दिया, तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला है नेपोलियन बोनापार्ट की महाद्वीपीय व्यवस्था का वर्णन कीजिए, ये चार महत्वपूर्ण प्रश्न आपके दीर्घ के लिए हैं। तो आज की इस वीडियो में मैंने अति लघु, लघु और दीर्घ के लिए जितना प्रश्न बताया है, आपको इससे बाहर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही बस आपको पढ़ना है। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में 90% क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अच्छे से तैयार कर लीजिए, बेस्ट ऑफ लक, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।